अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी स्टेप्स। दोस्तों इस वीडियो में हम बॉल के कलर चेंज करेंगे, तो चलिए पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी, चलिए इसकी शूटिंग देख लेते हैं जो कि काफ़ी सिंपल है। मैंने कैमरा ट्राइपॉड पर लगा कर रखा और भाई ने ग्रीन कलर की बॉल से ये सिंपल स्टेप्स किए। हमने ये वीडियो बनाने के लिए ग्रीन बॉल यूज़ की है, इसके अलावा इस ट्रिक के लिए कोई भी लाइट कलर की बॉल ली जा सकती है। ये हमारी शूट हो गई, अब करते हैं इसे एडिटर में एडिट। दोस्तों क्योंकि मैं कैमटेसिया स्टूडियो यूज़ करता हूं, तो लिहाजा मैं कैमटेसिया में इसे एडिट करूंगा। टिप्स एंड ट्रिक्स यही होंगी, तो लिहाजा आप किसी भी सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप में भी इसे एडिट कर सकते हैं। मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पीसी में डाली और फिर कैमटेसिया में इम्पोर्ट की। सबसे पहले मैंने वीडियो की आवाज़ को म्यूट किया और जो फालतू पार्ट वीडियो के शुरू में रिकॉर्ड हुआ था उसे रिमूव किया। फिर मैंने अपनी ये मेन वीडियो को एडिटर के दूसरी लेयर में रखा। फिर जब भाई ने बॉल एक बार उछाल कर दूसरे हाथ में ली है, ठीक उसी वक्त मैंने वीडियो को यहाँ से स्प्लिट कर दिया। इसके बाद मैंने कुछ कलर्स के बैकग्राउंड कैमटेसिया में इम्पोर्ट किया। ये फ्री बैकग्राउंड मैंने पिक्साबेस से डाउनलोड किए हैं। अच्छा, इन कलर्स को प्लेस करने से पहले हमने अभी जब अपनी मेन वीडियो को स्प्लिट किया था, इसमें जो दूसरी वाली वीडियो है इसकी बॉल का हमें कलर रिमूव करना है, तो लिहाजा मैंने बॉल का कलर रिमूव किया। अब ये जो बॉल में ग्रे कलर नज़र आ रहा है, ये ग्रे कलर का बैकग्राउंड है जो मैंने पहली लेयर में प्लेस किया हुआ है। फिर जब बॉल दूसरे हाथ में गई है, तो मैंने ठीक बॉल के हाथ में आते ही नया कलर लगा दिया जो हमें बॉल के अंदर नज़र आ रहा है। इसी तरह जिस वक्त मुझे बॉल में नया कलर दिखाना था, ठीक उसी जगह पर नए कलर का बैकग्राउंड प्लेस करता गया। जब सारे कलर प्लेस हो गए, तो मैंने अपनी मेन वीडियो को फिर से स्प्लिट कर लिया और अपनी नई वीडियो के स्प्लिटेड पार्ट पे जो ग्रीन स्क्रीन रिमूव की थी उस इफ़ेक्ट को भी रिमूव कर दिया और हमारी बॉल लास्ट में अपने ओरिजिनल कलर में आ गई। फिर जो लास्ट में वीडियो का फालतू पार्ट था उसे रिमूव किया और फिर इस पर एक म्यूज़िक डाल दिया। इसके बाद आप जो सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप वीडियो एडिटिंग के लिए यूज़ करते हैं उसके ऑप्शन के हिसाब से इसे रेंडर कर लें। दोस्तों मैं ऐसी या इससे भी अच्छी वीडियो एडिटिंग की ट्रिक्स आपकी खिदमत में लाता रहूँगा। एक बार इस वीडियो को फिर से देख लें कि हमने क्या बनाया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी टिकटॉक या स्नैक वीडियो एडिटिंग ट्रिक। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अपने मेज़बान फुरकान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।